Yes, good afternoon, everyone. We are heading toward with the last topic now. We'll be ending it very soon. So our last topic is soil conservation. So conservation hota hai protection, bachana. ठीक है, सो सॉइल कंजर्वेशन, हम उस सॉइल को, उस मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं. कंजर्व मीन्स प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन. ठीक है, सो सॉइल कंजर्वेशन मीन्स द टॉप लेयर. अब जो है सॉइल की कंजर्वेशन क्या करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट, वी हैव डिस्कस्ड इट अबाउट यस्टरडे आल्सो, व्हेनेवर द डाउनपोर इज देयर, रेनफॉल इज देयर, सो व्हेन विद द हैवी रेनफॉल व्हाट हैपेंस, विद द हैवी रेनफॉल देयर इज अ रिमूवल ऑफ द removal of your top layer of the soil, right? So that is your soil removal or the soil depletion. ठीक है, सर, soil depletion क्या, soil depletion क्या है, जब आपकी जो soil है, जो ऊपर वाली जो layer है वो बह जाती है किसी भी तरीके से, like बारिश से किसी भी चीज़ से जो है वो बह जाती है, तो वो आपकी soil depletion हो जाती है. Soil erosion कहते हैं उसको. ठीक है, ठीक है. सो अब हमें क्या है, वो टॉप लेयर को प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, वी नीड टू कंजर्व दैट प्रोटेक्ट लेयर. अब आपकी सॉइल इरोजन हो सकती है विद द हेल्प ऑफ योर रेनफॉल, विद द विंड. ठीक है, इनसे क्या होती है आपकी सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या होता है, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन एज योर सॉइल इरोजन. ठीक है, अब इसके हमने एक रेन एंड विंड एग्जाम्पल दिया. अब इसका सॉइल इरोजन का और भी एक क्या है फैक्टर है, लाइक हम जब ज़्यादा पेड़ काटते हैं तो भी सॉइल इरोजन होता है. ठीक है, ग्रेजिंग क्या होता है, पशुओं का चरना, मतलब जब वो खाते हैं, घास खाते हैं. ठीक है, दैट इज़ ग्रेजिंग. ठीक है, व्हेन एनी एनिमल, एनी डोमेस्टिक एनिमल लाइक ग्रेज अ लॉट ऑन अ सिंगल पीस ऑफ लैंड, दैट ऑल्सो हेल्प इन इरोजन ऑफ द सॉइल. ठीक है, सॉइल इरोजन क्या होता है, इट रिमूव्स द नेचुरल न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल. ठीक है, जो भी नेचुरल, जो ऊपर मैंने आपको लास्ट कल बताया था कि एलुवियल सॉइल के टॉप मोस्ट जो सॉइल सबसे मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, आप किसी भी सॉइल के ऊपर ज़्यादा चलोगे, उसको ख़राब करोगे, तो आपकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, सो दैट इज़ हाउ योर सॉइल गेट इरोडेड. एंड ये क्या, आपकी जो फर्टिलिटी को भी डिक्रीज करता है, दिस डिक्रीजेज योर फर्टिलिटी. ठीक है, एंड इट अफेक्ट्स द सॉइल इन अ वेरी बैडली नेचुरल वे. ठीक है, सो वी नीड सॉइल फॉर वॉट, वी नीड सॉइल फॉर एग्रीकल्चर, फॉर आवर अदर कंस्ट्रक्शन पर्पसेज. सो सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, सो वी नीड टू कंजर्व इट. ठीक है, वी नीड टू प्रिवेंट इट, वी नीड टू प्रिवेंट कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट. ओके, वी नीड टू प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग, we need to prevent it from the over rainfall period. हमको हर एक चीज़ से हमें बचाना पड़ेगा soil को. ठीक है, so हम कौन कौन से steps ले सकते हैं, which steps we can take for reducing soil erosion, हमें soil को protect करने के लिए और soil erosion को कम करने के लिए what steps we can take. सो वी कैन टेक रिड्यूस, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस कटिंग द ट्रीज. हम ट्री को, जो ट्रीज जो बहुत ज़्यादा काटते हैं लोग, हम उससे हम रोक सकते हैं. ठीक है, सेकेंडली वी कैन प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हम पेड़ काटने बंद करवा सकते हैं एंड हम बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं. ठीक है, ओवर ग्रेजिंग हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हम एक ही प्लेस पे, वील नॉट सेंड द कैटल्स टू ग्रेज एट वन सिंगल प्लेस. ठीक है, हम उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. हम किसी भी लैंड को बैरन, खाली छोड़ना, बैरन मीन्स खाली छोड़ना. ठीक है, हम किसी भी लैंड को बैरन नहीं छोड़ेंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे, हम उस पर रेगुलर कल्टीवेशन करेंगे. ठीक है, क्रॉप रोटेशन होता है, एक आपने कल्टीवेट करी, फिर नेक्स्ट मंथ, आप नेक्स्ट सिक्स मंथ में आप कोई और कल्टीवेट करो, दैट इज़ क्रॉप रोटेशन. ठीक है, हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे, लाइक मेन्योर, जैसे दैट द मेन्योर मेड बाय द एक्सक्रीटा ऑफ द एनिमल. ठीक है, हम उस मेन्योर उसको यूज़ करेंगे. ठीक है, manure is made by the earthworm or some humus made by the plants and animal dead skins. So हम वो use करेंगे instead chemical fertilizers. हम chemical fertilizers use नहीं करेंगे because it decrease the fertility of the soil. It makes your soil infertile and chemicalized. ठीक है, वो आपकी soil को ख़राब करता है. So इसलिए what we will do, we will use natural fertilizers. Okay. So with this your chapter is done over here.